लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, आज अपना जो टॉपिक है लोकतंत्र की कार्यप्रणाली 1.9 यूनिट है अपनी ये राजनीति की, पॉलिटी की, एमपीपीएससी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में बात करें अपन, और राजनीतिक दल क्या है, अर्थ है, प्रकार क्या है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी, अर्थ है प्रकार। राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो अपना जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुभव राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में चार प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो पुरानी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थानों से चिपके रहना चाहते हैं। रूढ़िवादी दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। थर्ड, उदारवादी दल जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है। सुधारवादी दल जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित। देखिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर, उदारवादी दलों को दाईं ओर रखा है। दूसरे शब्दों में इन्हें वाम दल, केंद्रीय दल तथा दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में CPI तथा CPM वाम दलों के उदाहरण हैं। कांग्रेस पंथी केंद्रीय दल तथा भाजपा दक्षिणपंथी दल के उदाहरण। राजनीतिक दल के आधारों की व्यवस्था करते हैं। देखिए प्रत्येक देश में दो प्रकार के दलीय व्यवस्था देखी जा सकती है, एक दल व्यवस्था और सेकंड द्विदलीय व्यवस्था। थ्री मार्ग में पूछ सकते हैं एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। अफ्रीका के अधिकांश देशों तथा चीन में केवल एक ही दलीय प्रभावी है, वही शासन का नेतृत्व प्रदान करता है। द्विदलीय व्यवस्था क्या है, इसमें दो दल व्यवस्था जैसे USA और UK में है। भारत में दलीय व्यवस्था है। भारत में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण एवं धर्म है। देखिए बहुदलीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में पूछा सकता है, त्रिमार्ग पूछा सकता है। इसमें भारत पाक अथवा देशों में शामिल किए जाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अनेक दल अस्तित्वमान है। इन दलों में कुछ राष्ट्रीय स्तर, कुछ राज्य स्तर के दल, जो कुछ क्षेत्रीय दल भी शामिल है। भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल है। 16वीं लोकसभा के आम चुनाव 2014 की पूर्व संस्था में देश में 6 राष्ट्रीय दल, 47 राज्य स्तरीय दल एवं 593 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल किए गए। भारत में राजनीतिक दलों के निर्माण व उनके आधार के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं, जैसे जाति व्यवस्था। भारत में राजनीतिक दलों का प्रमुख सामाजिक आधार है। भारत में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था विद्यमान रही है और जाति व्यवस्था ने भारत में राजनीतिक प्रणाली को भी प्रभावित किया है। देखिए दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, मुझे मैं पढ़ा आप समझ पा रहे होंगे कि जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ा ये भी एक टॉपिक है, मुद्दा है। भारत में बहुजन समाज पार्टी जाति आधारित दल है। धर्म, राजनीतिक दलों के निर्माण में धर्म की भी भूमिका रही है। धर्म के नाम पर लोगों को लामबंद कर अपने पक्ष में किया जाता है। कुछ दल धार्मिक आधार पर ही गठित किए हुए हैं, जैसे शिवसेना, मुस्लिम लीग, विश्व हिंदू परिषद आदि। कुछ दलों का गठन भाषाई और क्षेत्रीय आधारों पर भी हुआ है। भाषाई आधार पर गठित होने वाले दल शिरोमणि अकादली दल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बीजू जनता दल प्रमुख है। जबकि क्षेत्रीय आधार पर गठित होने वाले दलों में द्रविड़, मुनेत्रा काशगम, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा काशगम पार्टी। बाद में कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण विचारधारा आधारित भी है, जैसे समाजवादी पार्टी का निर्माण, भारतीय जनता पार्टी का गठन। कुछ राजनीतिक दलों के आधार पर यह निर्माण के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारक भी हैं, जैसे भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने आर्थिक आधार पर लोगों को लामबंद किया। उन्होंने पूंजीपतियों के विरोध व सर्वहार व मध्यमवर्गीय लोगों को अपने पक्ष में किया। ठीक है दोस्तों, जो अपन टॉपिक लिखते हैं उसके बारे में एक उपरोक्त व्यवस्था निष्कर्ष लिखते हैं। देखिए उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों के निर्माण के अनेक कारक जिम्मेदार हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों का निर्माण भिन्न भिन्न आधारों पर हुआ व उन्हीं आधारों में से भी मतों को लामबंद करते हैं और मतदान व्यवहार को प्रभावित कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन भारत में राजनीतिक दलों में अनेक कमियां देखी गई, जैसे इन दलों में आंतरिक लोकतंत्र का नितांत अभाव, वंशवाद की प्रधानता, अनेक राजनीतिक दलों विकल्पहीनता में ग्रस्त हैं, अर्थात द्वितीय नेतृत्व की कमी है। उपरोक्त कमियों के बावजूद भारत जैसे विविध पृष्ठभूमि वाले देश में लोकतंत्र की मजबूती हेतु राजनीतिक दलों का अपना विशेष महत्व है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपना अगला टॉपिक रहेगा और अगले टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर देंगे। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।